दोस्तों, मुझे स्पाइनल कार्ड इंजरी हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अभी हमें लगभग 7 साल हो चुके हैं। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की है और बहुत सारे दोस्तों से बात की है। बहुत सारे दोस्तों के साथ में मैंने अपनी वीडियोज भी शेयर किया और उनसे बातचीत होती थी, तो हमारे कुछ फ़ोटोज़ भी थी, वीडियो क्लिप्स भी थी। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि अपनी एक YouTube पे अपना ब्लॉग चैनल बना लेते हैं और उस चैनल पर अपनी वीडियोज को हम अपलोड करते रहेंगे, और वो जिनसे हमारे दोस्तों को या जो हमारे जैसे और लोग हैं जिनको इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम है उनको इससे कुछ सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों तक अपनी वीडियो शेयर कर पाएंगे। तो मैं ये अपनी पहली ब्लॉग वीडियो शूट कर रहा हूँ, और प्लीज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा और हमारी वीडियोज आप तक पहुँचें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो अभी मैं पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपने मोबाइल से ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसकी वजह से हमारी कुछ पहले की जो वीडियो फुटेज हैं मैं उनको भी अभी आपको दिखाऊंगा। मैं डिसेबल था, आपको तो पता ही है कि स्पाइनल कार्ड की इंजरी में अगर किसी को डी या एल सीरीज का जो है इंजरी होता है तो डिस्क में, तो उसकी इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से मेरा जो ये दोनों पैर है पूरा यहाँ से सुन्न हो गया था। मुझे यूरिन की जो फीलिंग है वो अभी तक नहीं है। ये देखिए, मैं यूरिन के लिए बैग का यूज करता हूँ और बाउल है उसमें, कुछ परसेंट तक अभी हमारा कंट्रोल है। खाने में क्या क्या लेना है और किस तरीके से लेना है उसका ध्यान में रखते हुए अपना जो है डेली रूटीन को मैनेज करता हूँ। और चलिए आपको अपनी पुरानी वीडियोस दिखाते हैं, आप उनको देखिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। आप लोग मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट देंगे हम वैसे ही अपनी और वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे और अपनी वीडियोस के जरिए हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपको अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। जब मैं पहली बार वॉकर से चल रहा था तब मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, और उसके बाद में मैंने एक्सरसाइज को जारी रखा और अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते करते फिर पहली बार मैंने डंडे से चलने का ट्राई किया तो मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी चलने में। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं गिर जाऊंगा, फिर भी मैं धीरे धीरे ट्राई करता रहा और डंडे के सहारे इंडिपेंडेंट चलने लगा। उसके बाद में भी मैंने अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा और मुझे और ज़्यादा हौसला मिला, मुझे लगा कि मैं यह कर सकता हूँ। उसके बाद में मैंने एक दिन स्टिक के सहारे ही थोड़ा फ्रीडम वॉकिंग करने की कोशिश की। देखिए, मैं इसमें डंडे को छोड़ के मतलब फ्री चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ्री चलना अभी सेफ नहीं है, इसीलिए मैं स्टिक के साथ ही वॉकिंग करता हूँ और मैंने अपनी एक्सरसाइज जारी रखी है। मैं साइकिल को भी धीरे धीरे चलाना सीख रहा हूँ, वो वीडियो मैं अगली बार अपलोड करूँगा। और आपका कौन सा लेवल है, आप कितना प्रोग्रेस किए हैं, आप कैसा चलते हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताना।